प्रेशर का मैच जो है अगेंस्ट पाकिस्तान, जो इंडिया और पाकिस्तान को मैच जो खेला जाएगा वो प्रेशर का मैच होगा। जितने भी प्लेयर्स हैं वो ये बेशक बोलें कि प्रेशर का मैच नहीं होता, लेकिन मैच जरूर प्रेशर को होगा। ओवरऑल जो वार्म अप मैचेस हो रहे हैं वो बहुत अच्छे हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? आपको पता है कि क्वालिफाइंग जो मैचेस हैं वो भी चल रहे हैं, उसके साथ साथ वार्म अप मैचेस भी हो रहे हैं। पाकिस्तान का आज मैच था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और जैसा पहला मैच खेला पाकिस्तान ने अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की। उसी फॉर्म को चलते हुए पाकिस्तान ने अभी साउथ अफ्रीका अगेंस्ट पहले बैटिंग की और 186 रन किए पाकिस्तान ने। रिजवान और बाबर बड़ी इनिंग नहीं खेल सके, बाबर ने पिछले मैच में 50 रन भी किए, लेकिन आज के मैच में फिर फखर जमान ने 50 रन किए और उनकी जो फॉर्म है वो बहुत अच्छी नज़र आ रही है। लास्ट वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट भी उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। उसके बाद देखें हम, हफीज़ इतने ज़्यादा रन नहीं कर सके, शुएब मलिक ने रन किए, 28 रन आई थिंक किए, फिर उसके बाद आसिफ अली ने बहुत तेज़ बैटिंग की, तो जिसकी वजह से 186 रन एक वार्म अप मैच में बने। अभी अभी बैटिंग स्टार्ट हुई है, थोड़ी देर हो गई है साउथ अफ्रीका की। अब लेट्स सी, देखते हैं कि साउथ अफ्रीका ये रन्स चेज कर पाता है या नहीं है। अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखें कोई इतनी ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुई, मेरे ख्याल में कोई हुई भी नहीं, वही बैटिंग खेली है, वही बॉलिंग करेगी जो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेली थी, और होना भी यही चाहिए क्योंकि जब आपने पहला मैच अगेंस्ट इंडिया खेलना है तो वार्म अप मैचेस में फिर आप कोशिश यही करें कि वही उन्हीं प्लेयर्स को खिलाएं जिनको अगेंस्ट इंडिया आपने मैच खिलाना है। तो ये तो स्टोरी थी पाकिस्तान के बारे में कि उनकी क्या क्या परफॉर्मेंसेस थी। इंडिया का भी प्रैक्टिस मैच हुआ और वो बहुत आसानी से इंडिया की टीम जीत गई अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 152 आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की टीम आउट हुई, और स्मिथ ने रन्स किए, मैक्सवेल ने थोड़े बहुत रन्स किए, स्टॉइनिस ने रन्स किए, जिसकी वजह से 152 रन्स हुए। उसके बाद अगर हम इंडिया की बैटिंग की बात करते हैं तो के राहुल ने रन्स किए, फिर उसके बाद रोहित शर्मा ने 60 रन्स किए, इनकी वजह से जो है वो सूर्या कुमार यादव ने थोड़े बहुत रन्स किए। और प्रैक्टिस मैचेस का मतलब ये होता है कि जब उनके माइंड में भी एक चीज़ ये होगी कि हम प्रैक्टिस मैच भी खेला, हालांकि शर्मा पहला मैच नहीं खेले थे और शफलिंग भी हुई थी कुछ ओपनिंग ओपनर्स में से, क्योंकि ईशान किशन ने ओपन किया था, रोहित शर्मा नहीं खेले थे, आज रोहित शर्मा वापस आए। और बात यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान सॉरी इंडिया की टीम ने भी परफॉर्मेंस दी है और 17 ओवर में 18 ओवर में ये मैच ख़त्म कर दिया, तो आईपीएल के हिसाब से देखें तो इनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी। अब लेट्स सी, देखते हैं कि उस फॉर्म को ये कंटिन्यू कर पाते हैं या नहीं है, कि वर्ल्ड कप अभी आगे स्टार्ट होने वाला, प्रेशर का मैच जो है अगेंस्ट पाकिस्तान, जो इंडिया और पाकिस्तान को मैच जो खेला जाएगा वो प्रेशर का मैच होगा। जितने भी प्लेयर्स हैं वो ये बेशक बोलें कि प्रेशर का मैच नहीं होता, लेकिन मैच ज़रूर प्रेशर को होगा। ओवरऑल जो वार्म अप मैचेस हो रहे हैं वो बहुत अच्छे हो रहे हैं, और जिस टीम को जीतना चाहिए वही टीम जीत रही है, और अगर हम क्वालिफाइंग मैचेस की बात करें उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंसेस, अच्छी बॉलिंग की परफॉर्मेंसेस, बैटिंग की परफॉर्मेंसेस आपको नज़र आएंगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।